दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं। प्रकृति ने केवल इंसानों में ही नहीं बल्कि कण कण में खूबसूरती दी है, और इसी प्रकृति की एक अभिन्न खूबसूरती है पक्षियाँ। दोस्तों, दुनिया में पक्षियाँ किसे पसंद नहीं, हर किसी को पक्षियाँ प्यारी लगती है। ज़्यादातर लोग इन्हें घरों में भी पालना पसंद करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत और फ्रेंडली नेचर के होते हैं। आपने अपने आसपास आम पक्षियाँ तो कई बार देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी पक्षियों से मिलवाने वाले हैं जो कि दुनिया की सबसे स्ट्रेंज और रेयरेस्ट बर्ड्स में से एक हैं। किसी को ये पक्षियाँ प्यारी तथा किसी को ये पक्षियाँ डरावनी भी लग सकती हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे पॉपअप इंडिया यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर लें, और हो सके तो वीडियो को अभी के अभी लाइक ज़रूर कर दें। नंबर 5, विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज। दोस्तों, इस पक्षी को पहली बार 1996 में डेविड एटनब्रो के द्वारा कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज इंडोनेशिया के पश्चिमी पापुआ के बेगियो तथा बटंटा आइलैंड की तराइयों और रेन फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। इस पक्षी की सुंदरता और विशेष शारीरिक संरचना को देखकर कोई भी इंसान आकर्षित हो सकता है। इस रंगीन पक्षी के शरीर पर ऐसी संरचनाएं ही इसे दुनिया की सबसे अनोखी और विचित्र पक्षी बना देती है। विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज का आकार 17 सेंटीमीटर तथा इसका वजन 52 से 66 ग्राम तक हो सकता है। इसके शरीर की प्राकृतिक संरचना लाल, हरे, नीले और पीले रंग का समाहित मिश्रण इसे बेहद ही मनमोहक बना देता है, और इसकी पूंछ का तो जवाब ही नहीं, क्योंकि इसकी पूंछ पर्ल वाइट कलर के गोल लक्षों के रूप में होती है। ये दुनिया की सबसे रेयरेस्ट बर्ड्स में से एक है। नंबर 4, ग्रेटर सेजग्रॉस। ये पक्षी नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसे ग्रॉस बर्ड भी कहा जाता है। सन 2000 के बाद इसी बर्ड से हाइब्रिड जेनेटिक ब्रीडिंग कर एक अलग प्रजाति बनाई गई, जिसे अमेरिका का सबसे ग्रेटेस्ट बर्ड माना जाने लगा, और फिर इसे ग्रेटर सेजग्रॉस का नाम दिया गया। जब ये एडल्ट एज में होते हैं तब इनके पूंछ से लेकर पैरों तक हर अंग नुकीले आकार के होते हैं। सेजग्रॉस के आगे का भाग बाकी पक्षियों की तुलना विचित्र और आकर्षक होते हैं। ये अपनी फीमेल पार्टनर को प्रजनन क्रिया के लिए कुछ खास तरह के करतब दिखाकर रिझाते हैं, जिसे देख फीमेल पार्टनर उत्तेजित हो जाती हैं। ये ज़्यादातर काफ़ी कम ऊंचाइयों पर ही उड़ना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस पक्षी के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दें। नंबर 3, मैग्निफिसेंट फ्रिगेट बर्ड। दोस्तों, ये जो पक्षी आप अभी देख रहे हैं ये एक बेहद ही विचित्र समुद्री पक्षी है। ये बर्ड ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाए जाते हैं। ये दिखने में अजीब होते हैं, पर ये दूसरे प्रजातियों की पक्षी से बेहद ही अलग होते हैं। इसके शरीर से लेकर पंख और पैरों तक इसका रंग शाइनी ब्लैक होता है। फीमेल्स में इसके सामने का भाग सफ़ेद होता है, तो वही इसके मेल्स के सामने एक लाल रंग का बेहद ही विचित्र फुग्गे की आकार का हिस्सा होता है। मेल बर्ड फीमेल बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए अपने लाल वाले हिस्से को फुलाकर बड़ा कर लेते हैं। फीमेल्स की बात करें तो ये साइज में मेल्स के मुकाबले थोड़ी बड़ी होती हैं। इस बर्ड्स की आकार 32 से 44 इंच तक तथा इसका वजन तकरीबन 1.5 केजी तक होती है। ये बर्ड शिकार करने के लिए समुद्री मछलियों पर निर्भर होती हैं, जिसमें इनकी ये लंबी और कर्व चोंच काम आती हैं। नंबर 2, इकाटर्न। आपने आज तक जो भी पक्षियां देखे होंगे उनके लंबे या छोटे पूंछ के साथ, पर क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जो अपने चेहरे पर मूंछ लेकर घूमता हो? जी हाँ दोस्तों,
आपने आज तक इंसान को तो भिन्न भिन्न प्रकार की मूंछों के साथ तो देखा ही होगा, पर ईका टर्न एक ऐसी पक्षी है जिसके चेहरे पर इंसान की तरह दिखने वाली सफ़ेद मूंछ होती है। इस पक्षी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हालांकि यह आपको कबूतर की तरह लग रहा होगा, पर यह असल में कबूतर की ही एक प्रजाति है और इसे खास बनाती है इसकी ये प्यारी मूंछ। ये पक्षी इक्वाडोर के दक्षिण पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। ये पक्षी मुख्यतः छोटी मछलियों पर ही निर्भर होते हैं तथा इनकी आवाज़ बिल्ली की तरह होती है। नंबर 1, सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइस। दोस्तों, इस बर्ड को बर्ड ऑफ पैराडाइस यानी स्वर्ग की पक्षी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में बेहद ही चौंकाने वाले होते हैं। किसी को ये बर्ड क्यूट लग सकते हैं तो किसी को इससे डर भी लगता हो। ये पक्षी अपने सुंदर और ब्लैक एंड ब्लू कलर की पंखों के लिए जानी जाती है, जो कि दुनिया में सिर्फ वेस्टर्न गिनी के जंगलों में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, इस प्रजाति में फीमेल बर्ड की पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है तथा इसी वजह से मेल पक्षी फीमेल पक्षी को इम्प्रेस करने के लिए एक विचित्र प्रकार की डांस फीमेल के चारों ओर घूम घूम के परफॉर्म करते हैं। फीमेल के मुकाबले ये मेल पक्षियां ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइस आकार में लगभग 25 से 27 सेंटीमीटर के होते हैं। इस पक्षी का साइंटिफिक नेम ग्रेटर लोफरीना है। बस दोस्तों, जाते जाते एक ही बात कहूँगा कि जितना हम प्रकृति के कायदे में रहेंगे फायदे में रहेंगे। प्रकृति को बचाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें तथा हमारे पॉपअप इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लें और हमें कमेंट में बताएं कि इसका नेक्स्ट पार्ट देखना पसंद करेंगे या नहीं। धन्यवाद।